नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के आज परिणाम का दिन, पूरे देश की राजनीति को दिशा देगा महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर। पंजाब विधानसभा उपचुनावों में कौन मारेगा बाजी, पंजाब विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव की गिनती जारी। गिनती केंद्रों के चारों ओर 3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली तैनात। पीएम मोदी को वैश्विक शांति पुरस्कार। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यकों के संगठनों ने किया ऐलान, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए की कोशिशों को लेकर मिला सम्मान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के आज नतीजों का दिन है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का गठबंधन बारी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी ने 210 से अधिक सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जो कि बहुमत से कहीं अधिक है। वहीं महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार इस बार रुझानों में काफी पीछे रह गए हैं। यह शुरुआती रुझान भाजपा के लिए खुशखबरी लाए हैं, जो पार्टी की बड़ी जीत दर्शा रहे हैं। पंजाब विधानसभा के 4 सीटों के उपचुनाव की गिनती भी आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और इस बार कुल 45 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वोटों की गिनती के लिए प्रत्येक विधानसभा हलके में एक एक केंद्र स्थापित किया गया है। वहीं डेरा बाबा नानक सीट पर आप उम्मीदवार गुरदेव सिंह रंधावा ने जीत दर्ज की है। गिदड़वाहा सीट से आपके डिम्पी ढिल्लो आगे हैं और चबेवाल से आम आदमी पार्टी के ईशान कुमार चबेवाल जीत गए हैं, जबकि बरनाला से कांग्रेस के कुलदीप सिंह ढिल्लो ने बाजी मार ली है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर भी मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। पोस्टल बैलेट की गिनती करने के बाद ईवीएम की काउंटिंग की जा रही है। आज शाम तक तय हो जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी और किसके सिर सियासी का ताज सजेगा और झारखंड में तीर धनुष कायम रहेगा या कमल खिलेगा। झारखंड में 44 सीटों पर एनडीए ने बहुमत बना लिया है और इस वक्त एनडीए और झामुमो नीत गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर आज 1211 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। राज्य के 24 जिला मुख्यालय में मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। ज्यादातर सीटों पर इंडिया और एनडीए में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। कई एग्जिट पोल में ये कयास लगाए गए हैं कि झारखंड में एनडीए वापसी कर सकती है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल के रिजल्ट इंडिया अलायंस के पक्ष में भी आए हैं और जब रिजल्ट की बारी है, अब कुछ देर में ये साफ हो जाएगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकियों ने एकजुट होकर एक नया अल्पसंख्यक संगठन लॉन्च किया है। यहां मैरीलैंड के स्लिंग सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज का उद्घाटन हुआ। इस संगठन का उद्देश्य भारतीय अमेरिकी प्रवासियों में अल्पसंख्यकों को साथ लाना और उनके बेहतर हालात के लिए काम करना है। संगठन के इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर मोनेटिटी अपलिफ्टमेंट से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और AIAM की तरफ से पीएम मोदी को उनके समावेशी विकास और अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर की गई कोशिशों के लिए दिया गया है। AIAM अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में संगठन की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक समावेशी नजरिया अपनाया है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए बराबर के मौके हैं। अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कैलाश गहलोत को बीजेपी ने पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव समन्वय समिति का सदस्य नियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी से हाल ही में इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले कैलाश गहलोत को दिल्ली बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी सौंप चुकी है। दिल्ली बीजेपी ने उन्हें चुनाव संचालन समिति का सदस्य बनाया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था कि दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़ना उनके लिए बहुत कठिन फैसला था, लेकिन यह जरूरी हो गया था। दरअसल दिल्ली बीजेपी ने चुनाव अभियान का नेतृत्व करने के लिए यह समिति बनाई है। इसमें प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है। इस समिति का मकसद दिल्ली में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाना और चुनावी अभियान की देखरेख करना है। इससे पहले पार्टी ने 23 सदस्यों की प्रदेश चुनाव संचालन समिति घोषित की थी।
उत्तर प्रदेश को लखनऊ कानपुर सहित 5 रेल खंडों पर वंदे भारत मेट्रो की सौगात मिलेगी, जो लखनऊ से कानपुर की दूरी महज 45 मिनट में तय करेगी। वहीं कानपुर के बाद लखनऊ से प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर रूटों पर भी मेट्रो की तर्ज पर वंदे भारत मेट्रो चलेगी। इसके लिए सरकार 480 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस वंदे भारत मेट्रो के चलने से यात्रियों को बहुत राहत होगी। लोग कम समय में राजधानी पहुंच पाएंगे, राजधानी से वाराणसी भी श्रद्धालु कम समय में पहुंच पाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक वंदे भारत मेट्रो का किराया वंदे भारत एक्सप्रेस के आसपास ही हो सकता है। रेलवे अधिकारी ने यह भी बताया कि इस वंदे भारत मेट्रो में वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह ही सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर नेटोर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं परिजनों को जानकारी दी गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आज दिनांक 22/11/2024 को रात्रि करीब 10:30 बजे एक स्कॉर्पियो वाहन नदियाबाद से नेटोर के लिए आ रही थी। कोतवाली देहात नेटोर मार्ग पर स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 महिला और 2 बच्चों की मौके पर ही दुखद मृत्यु हुई है। 3 व्यक्ति घायल है, जिन्हें उपचार हेतु जिला चिकित्सालय बिजनौर भेजा गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस आज 23 नवंबर को झंडा दिवस मना रही है। इस अवसर पर DGP प्रशांत कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास पर फ्लैग लगाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही DGP ने CM योगी को मोमेंटो भेंट किया। वहीं CM योगी ने पुलिस झंडा दिवस की शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे भारतवर्ष का प्रथम राज्य पुलिस बल है, जिसे उसके अप्रतिम योगदान के फलस्वरूप 23 नवंबर 1952 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा पुलिस ध्वज प्रदान किया गया है, और यह ध्वज गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। झंडा दिवस के विशेष अवसर पर DGP प्रशांत कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पुलिस कलर प्रदान कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। यह क्षण न केवल सम्मान और गौरव का प्रतीक था, बल्कि कर्तव्य, शौर्य और परंपरा की जीवंत अभिव्यक्ति भी है। भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है, और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में देश भर में मौसम में भारी बदलाव की चेतावनी दी है। सर्दी का मौसम पहले ही दस्तक दे चुका है, और इसके साथ ही उत्तर भारत में घने कोहरे, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 23 नवंबर से 28 नवंबर तक देश भर के लिए ताजा अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश, तूफान और बर्फबारी के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में एक चक्रवाती तूफान के बनने का भी पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि ये तूफान पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए दक्षिण बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ सकता है। इस चक्रवाती तूफान के प्रभाव से मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। खासकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्रों में समुद्री यात्रा के लिए जोखिम हो सकता है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के इलाकों में 30 नवंबर तक सुबह शाम घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में सर्दी बढ़ेगी और शीतलहर का असर महसूस किया जा सकता है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।